रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे तुम्हारा प्रॉमिस नहीं चाहिए। एक चांस दे मुझे शिवा, भागूंगा तो लौट के सिर्फ तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अरे मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि उस यूडी में शिवा को क्या दिखता है। वो खुशी जो आप कभी दे नहीं पाए। Surprise! यूडी, who's this? This is शिवा, my partner. मैं प्रॉब्लम हूँ, इतने साल प्रॉब्लम देख लिया, अब सॉल्यूशन ट्राई कर ले। 6 साल का था मैं, हाथ की नस काट ली थी मॉम ने, डैड ने मॉम को मारा, वो आपको भी मार देगा। आई कैन सी द सेम स्टोरी, सेम एंड। टेल मी यूडी, वाज ही लाइंग? मैं बदल गया हूँ शिवा, तुमसे मिलने के बाद। मैं, यू बिलीव मी राइट? मुझे ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मे बी आई शुड जस्ट रन अवे। यूडी को कभी रियलाइज नहीं हुआ कि उसके 3 नहीं 4 बच्चे हैं। 3 छोड़ के भाग आया और 1 पालता रहा। उसका गिल्ट। 15 साल का बच्चा है शिवा, अपनी जरूरतों वाला, पूरे पैकेज और बैगेज के साथ। इतने साल किसी को पालने के बाद छोड़ना पॉसिबल है क्या? पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम रनर निकलोगी। वो तो यूडी का स्टाइल है। मैंने आपको चांस दिया था ना, शुड हैव टेकन इट। भाग जाना चाहिए था आपको। तुम तो मिस स्टिक इट आउट, रिलेशनशिप के एक्सपायरी डेट के बहुत टाइम बाद भी ना। इस बार सिर्फ मैं और यूडी नहीं है, इस बार जहान भी इन्वॉल्व है। ओजे भी है, वाई भी है, आरी भी है और यूरी भी तो है। ये सेकंड चांस वाली रिलेशनशिप में तुझे क्लीन स्लेट नहीं मिलेगा शिवा। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू स्टिक इट आउट। कब कर पाओगे? मुझे, मैं डिवोर्स लॉयर हूँ। ग्रेट, हमें डिवोर्स ही तो चाहिए। बाबू लेकिन उसके लिए शादी मस्ट होती है ना। शादी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, ना शादी होती, ना बच्चे होते, ना मेरे डैड छोड़ के जाते और ना आज हमें वापस जाना पड़ता। इसलिए हमें तुझे, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। आरी से, आरी को पता चला ना कि तू सब स्टूपिड बातें कर रहा है तो तेरा डैड बाय फोर्स कर देगा। कौन यहाँ की जगह? आरी ना हमें नाना नानी के लॉयर्स को जो थ्रेटन कर रहा है वापस जाने के लिए। आप लॉयर हो ना, यू कैन हेल्प अस राइट? क्या बोल रहा है ओजे? आरी को लीगल नोटिस भेजेगा? नहीं, हम आरी के लॉयर्स को लीगल नोटिस भेजेंगे। पागल हो गया आंटी, पागल हो गया। मजाक तक ठीक था लेकिन अब तो सीरियस मूड पे आ चुका है। आई एम सॉरी ओजे लेकिन ये नहीं होगा। देख, तुझे नहीं करना तो मत कर, मैं ये करके रहूंगा ठीक है? इफ यू नॉट विद मी आई एम कूल। तुझे आरी के साथ जाना है, गुड फॉर यू। तू मेरे बगैर यहाँ रहेगा? सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़की, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा See, I love that Jahan, but I don't trust him, nor should you.
और ये ओजे, इसका ये जो नया कॉन्फिडेंस है ना, वो आरी की एक थप्पड़ में ना सब खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आरी को समझा दिया, मैं नहीं जाने वाला हूँ यहाँ से। Tell him I'm not going anywhere from you. नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तू। Lock me you back. नहीं जाएगा तू, नहीं जाएगा। तू ये बोलेगा ना वैसा कुछ भी नहीं होगा। I have decided we are not going anywhere from you. नहीं होगा यार, फैमिली नहीं है। नहीं, तुझे मारना है ना, एक काम कर। I'm standing. मार। ओजे, ओजे listen, हमें ऐसा जाना होगा क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस है, डैड के साथ है ना, एक चॉइस है। चॉइस नहीं है, he's a fucking loser. उसने तुझे एक भी बार पूछा है हमारे लिए? Stay the fuck out of this, Jahan. ये मेरा फैमिली मैटर है। यार आरी, तूने हमें लाइफ टाइम ना डैड को सिर्फ हेट करना सिखाया यार। और हेट नहीं करना, एक चांस देते को चांस दूं मैं। मुझे चलते हैं, ऐसे सब सही हो जाएगा। नहीं 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 भाई, भाई सुन यार, मुझे मैं हूं ना यार तेरे पास। यार इस आदमी ने हमारी माँ को मारा यार। हम दोनों है ना तेरे पास यार, यार फैमिली, हमें उसकी जरूरत नहीं है। यार रॉक At this point, हमें डैड की जरूरत है, and I am not going out of here. नहीं समझ रहा है ना? तू रहे यहाँ पे? मैं और भाई जा रहे हैं यहाँ से। ये थोड़ा ज़्यादा सेंटी हो गया, जब दिमाग ठीक हो जाएगा ना, अपने आप वापस आ जाएगा। चल भाई। जब वापस आने का रास्ता है, तो उन्हें एक चांस दे ही देते हैं ना? तू नहीं आ रही मेरे साथ? ट्विंस की यही प्रॉब्लम है। अलग सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। मेरी जरूरत नहीं है ना मुझे? मुझे भी तुम दोनों की जरूरत नहीं है। अब ये बाप बाप बनना ना, मेरे से ही बहुत टॉलरेट नहीं हो रहा, इरिटेट हो रहा है मुझे। कोई जिम्मेदारी नहीं है अब मुझ पे। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। यार शिवी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता यार। इसको जितना ऑर्गेनाइज करो ना, उतनी भसड़ मच जाती है। एवरीथिंग बैक टू स्क्वायर वन। अगर यूडी भी ऐसा ही हो तो रियली really? और तू अगर तेरे को लाइफ में क्या चाहिए एग्जैक्टली ये डिसाइड कर ले तो मैं तुझे मजाक करने भेजती हूँ, तू प्यार में पड़ जाती है। प्यार में सेटल होना है तो डाउट के चक्कर लगाती है। तूने ही बोला था ना यूडी जैसा है, मैंने उसको नक्की कर दिया। फिर व्हाट्स अप चैन, लेट्स गो। कहाँ? शॉपिंग करनी है मुझे। राइट नाउ? और कभी। आपको मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मुझे प्लीज पैसे दे दो। क्या खरीदना है मुझे? शिवा आंटी के लिए रिंग लेनी है। यूरी कैसा है मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई हूँ। तू देख नहीं रही है क्या उसके बच्चों का हाल? आरी की नफरत, ओजी के पैनिक अटैक्स, व्योमा की इनसिक्योरिटीज, ये सब ना यूरी की वजह से। अब इसमें मैं जानू का भी नाम डाल दूं? अरे यार, जानू का तेरे रिलेशनशिप से क्या लेना देना है? और वैसे भी यूरी बदल लाना, ये तुझे लगता है ना, तू गलत भी तो हो सकती है। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? गलती मैं करूंगी और भुगतना जहान को पड़ेगा। गौरी तू इसको संभाल। आप शिवा आंटी के बारे में सीरियस हो ना, because I am dead serious about her. ओजे देख, मैं और शिवा शादी नहीं करवा रहा हूँ आपकी। इट इज जस्ट अ कमिटमेंट सेरेमनी कि आप और शिवा आंटी प्रॉमिस करते हो कि आप दोनों हमेशा साथ में रहोगे। दैट्स इट। देखो जी, मेरी तरफ से प्रॉमिस पक्का है। कल के बाद शिवा आंटी को थोड़ा टाइम चाहिए। किस लिए? बस इसीलिए मैं जहान के साथ रिस्क नहीं ले सकती। शी इज ऑल आई हैव। यार कभी तो जहान को छोड़ के अपने बारे में सोचा करना कि तुझे क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ रिस्क ले ले, ले ले रिस्क। पता है एक के साथ तीन लोग फ्री मिलेंगे। अच्छा होता है फ्री। Kids, Shiva, breakfast. Good morning, Dad. Morning, bhai. आपने breakfast बनाया? That's right. Nice. Oh. Good morning. Good morning. Ari कहाँ है? Kiara से मिलने गया होगा. Girlfriend and all, huh? Oh, serious. Nice. और शिवा कहाँ है? Dad से मिलने गई है. क्यों? क्यों? सब पैक हो गया? ये कंपनी क्लोजर के लिए जो तुम्हारे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए, थोड़ी सी स्क्रूटनी होगी शायद, बट आई विल हैंडल दैट।
बाकी ऑफिस के सारे अकाउंट्स मैंने बंद करवा दिए। उसमें थोड़ा पेपर वर्क जाएगा बट दैट्स अबाउट इट। देखो शिवा, अगर तुम चाहो तो हम इसे किसी और दिन भी सेटल कर सकते हैं, इट्स नो बिग डील। ठीक है, एक दिन में सब कुछ सेटल हो जाता है क्या? घर, ऑफिस, अकाउंट्स, रिश्ते। ऑफिस और अकाउंट्स तो हो सकते हैं बट रिश्तों में यूजुअली थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये कुछ 10-15 साल, यू नो। मैं यूडी के साथ फेल हो गई तो यूडी और मैं एक साथ किसी अच्छे से बार में तुम्हें डिस्कस कर रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो क्या डिस्कस करोगे, मेरी कमजोरियां या अपने नखरे? None of them. पता है निखिल, मुझे डर लगता है मैं यूडी को हैंडल नहीं कर पाई तो क्या करूंगी। तुम मुझसे यूडी को हैंडल करने के तरीके पूछ रही हो? नहीं, मैं तुमसे खुद को हैंडल करने के तरीके पूछ रही हूँ। Well, for starters, अपने expectations अपने आप से रखना शिवा, यूडी से नहीं। क्योंकि तुम्हारे expectations इतने बड़े होते हैं कि failure के अलावा और कोई चांस नहीं मिलता। Not fair. I know. पिछले 15 साल से मैं फेल हो चुका हूँ शिवा, सिर्फ तुम्हारी नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी। और अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के बजाय, ये फिक्स करने के बजाय, मैंने अपने फेलियर्स का सारा भार तुम पे डाल दिया। एंड फॉर दैट आई एम रियली रियली सॉरी, रियली एम। सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं तो मैं भी गलत रही होगी। तो निखिल का नंबर वन लेसन है नो एक्सपेक्टेशंस, राइट? No, not at all. I didn't say that. 100% expectation. लेकिन सिर्फ खुद से। कोई और तुम्हारी उम्मीदों का जिम्मेदार कैसे हो सकता है शिवा? तो अगर लाइफ में तुम्हें यूडी चाहिए तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी। और अगर ना हो तो मैं हूं ना। शिवा आंटी। ओ जी? बाय बाय ओजस। ओजी बेटा क्या हो गया बता दो। अब तो घर भी आ गया बेटा, अब तो बताओ क्या है। आप अंदर तो चलो। अरे लेकिन लेट्स गो। ओके ओके मैन, गो देयर। ओजी सिट डाउन फास्ट, टाइम नहीं मेरे पास। हाउ शिवा आंटी, सिट हियर। फाइन, कीप क्वाइट। शिवा आंटी, हैंड्स। I love you. और इससे पहले डैड आपको यहां से भगा दे, I would like to propose. सिंपल है, हाँ या ना। अगर आप हाँ कहोगे तो आपको एक थोड़ा बहुत गुड लुकिंग पार्टनर मिल जाएगा, एक बहुत ज्यादा गुड लुकिंग सन, एक पागल लेकिन थोड़ी सी क्यूट डॉटर और एक 93.2% ग्रोन अप सन, सब कुछ साथ में। शिवा आंटी, हम सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, इंक्लूडिंग आरी। और जानू तो आपसे प्यार करती है। आई नो हमारे डैड टुडे अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन शिवा आंटी, मैंने ना उनकी आंखों में आपके लिए इतना सारा प्यार देखा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आई जस्ट नीड आंसर, हाँ या ना। बिकॉज मुझे भी तो गारंटी चाहिए ना।
क्या कर रही हैं आप? I'm just trying to clear my head, बच्चे. आपने ओजे के प्रपोजल का आंसर नहीं दिया. वो बच्चा है बेटा, उसकी हर बात को सीरियसली थोड़ी ले सकते हैं. राइट, पर आरी बड़ा है, उसकी हर बात सीरियसली लेनी चाहिए. आरी ने आपको अपनी मदर की कहानी बता दी ना. आरी बच्चा है मॉम, किसी को ये नहीं दिखता, आपको भी नहीं. उसकी स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है और आप उसकी स्टोरी सुनकर डिसीजन ले रही हैं. यू शुड टॉक टू हिम मॉम, यू डी अंकल शुड टॉक टू हिम. ही इज जस्ट अ किड, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू. Ari, what are you doing? Ari, stop it now. Bas ho gaya, please. Limits ke bahar mat karo, please. Ari, come with me. Let's go. I'm free. Come with me. I'm free. Chalo. Ari, limits se bahar mat ja. Ari, chalo. Ari, chalo yahan se. I'm free. Free. Ari, stop it. I'm free. Ari, where are you going? I'm free. Listen to me. अरे देखो किसी आप बोल भी तो नहीं आया. I'm free. Ari, what is wrong with you, Ari? I'm free. तू ऐसा क्यों कर रहा है? Stop this nonsense, Aryan. I'm free. Ari, don't do this, Ari. Stop doing this, yeah. Please stop. Will you just stop? I'm free. थोड़ी लिक्विड स्ट्रेंथ की जरूरत थी. यू डी वी नीड टू टॉक. यू डी, आई थिंक मुझे और जहान को, आई थिंक वी शुड मूव आउट. हमें अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि टाइम से तुम्हारा भरोसा बढ़ जाएगा? मुझे तुम पे भरोसा है यूडी, but what? But not enough that you have a relationship with me, right? अरे शिवा, मैं बच्चा था यार, मुझसे गलती हो गई और 15 साल से उसकी सजा काट रहा हूँ ना मैं. नहीं दिख रहा तुम्हें कितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं? What if तुम्हारी कोशिश नाकाम हो जाए? What if जो आर्यन ने कहा वो सच हो जाए? थोड़ा सा टाइम देते हैं ना यूडी, समझने के लिए या दूरियां बढ़ाने के लिए? Because that's really what you want, ना शिवा? Tell me the truth. मुझे जहान की फिक्र है. अगर तुम्हारे साथ अटैच हो गई तो और क्या? मैं भाग जाऊंगा? तुम्हें वही लगता है ना, क्योंकि एक इंसान बदलता नहीं ना कभी, बार बार वही गलतियां दोहराता है. सेकंड चांस देना ही नहीं चाहिए ना किसी को लाइफ में. मेरी आदत है भागना, तो ऑफिस में भागूंगा. तुम्हारी क्या आदत है शिवा? That is not about me. Obviously तुम्हारे बारे में नहीं है ये हम दोनों के बारे में है. और हम दोनों की आदतें इस रिलेशनशिप को बना सकती है या बिगाड़ सकती है. एक और बिगड़ा रिश्ता मैं हैंडल नहीं कर सकती, ना मैं ना जहां. शिफा, मैं तुमसे प्यार करता हूं. I love you. देखो, मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए, बट तुमसे नहीं लड़ सकता मैं. तुम्हारी इनसिक्योरिटी से नहीं लड़ सकता, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा. I'm sorry. मैं जहान के साथ इतना बड़ा चांस नहीं ले सकती. सॉरी. यू नो व्हाट, आई एम सॉरी. मैं भी इस वक्त इससे ज्यादा तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकता. इस
एक्सक्यूज मी, आपने आर्यन को देखा है? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज, आपने आर्यन को देखा है? वहां पर है. Ari, what are you doing here? चल, तू चल मेरे साथ. I'm free. Ari, you're not in your senses. चल तू मेरे साथ, घर चल. मेरा कोई घर नहीं है और किसी को मेरी नीड भी नहीं है, ना ओजे को, ना वाइफ को, ना तुमको और ना मेरे डैड को. तुम यूडी अंकल को एक चांस दोगी तो जरूरत होगी ना. चल Ari, don't be an asshole. Told me. मैं बोलूँ? मैं बोल. Ari, छोड़ Ari. मैं सुन. Ari, Ari, छोड़ मुझे. जिस एक दिन मुझे बाप की जरूरत थी. जिन लोगों के लिए मैंने अपना चाइल्डहुड सैक्रिफाइस कर दिया, उन लोगों को चलो और मेरे पीछे कोई फर्क ही नहीं पता ना. मैं आपने मुझे भी असल बना दिया अपनी तरह. Okay, relax.